गोवा में भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान MiG-29K क्रैश हो गया है। गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान यह हादसा हो गया। बता दें कि हादसे के दौरान किसी तरह पायलट विमान से निकलने में कामयाब हो गए और उनकी जान बच गई। भारतीय नौसेना ने इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब तकनीकी खराबी आने के बाद विमान वापस बेस लौट रहा था। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में कहा है कि MiG-29K लड़ाकू विमान गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान समुद्र के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं पायलट की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के कारणों की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को भी आदेश दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस की मिकोयांग कंपनी द्वारा निर्मित MiG-29 विमान भारतीय सेना में अहम भूमिका निभाता रहा है। वायुसेना में इसकी संख्या 70 के करीब है। वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी इस विमान का इस्तेमाल करती है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।